नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया जी हैं। संयुक्ता भाटिया जी, हमारे स्वतंत्र प्रभात चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। अभी कुछ दिन पहले मैम सबसे बड़ी बात है कि अपने उत्तर प्रदेश को 3 बड़ी उपलब्धि मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ी बात कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से, और देश की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश से, और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पहली महिला महापौर मेयर संयुक्ता भाटिया जी। तो आपको इस कोइंसिडेंस पे क्या कहना है? महिलाओं को ये बड़े हमारे लिए इसकी बात है कि महिला सशक्तिकरण होते हुए भी महिलाओं को बहुत कम मौका मिला। 100 साल लग गए मैम, 100 साल लग गए महिलाओं, एक महिला को मेयर बनने के लिए, तो ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मौका जहाँ जब जब मौका मिला है महिलाओं को, महिलाओं ने कुछ ना कुछ करके दिखाया है। और पहले जब मैं जहाँ जब से यहाँ महापौर बनी हूँ, तब से मैंने बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन किया है। हमारे यहाँ कभी बैलेंस शीट नहीं बनती थी, मैंने बैलेंस शीट बनवाई है। मैंने व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया है, और स्वच्छता अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय योगी जी की प्रेरणा से मैं स्वच्छता अभियान लेके चल रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन कर रही हूँ। मैं ये कहूँगी कि ये जो 100 साल लग गए, ये आगे से 100 साल ना लगे, हमेशा महिलाओं को मौका मिलता रहे और महिलाएँ काम करने के लिए आगे रहे। और महिलाएँ वो सारे काम कर सकती हैं जो पुरुष से ज़्यादा काम कर सकती हैं। महिला के तौर पे आपको यहाँ पे किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? क्योंकि एक तो 100 साल बाद यहाँ पे पहली बार कोई महिला मेयर बनी, और उसके अलावा लोगों की आपसे काफ़ी अपेक्षाएं, तो आपको किन किन चुनौतियों से जूझना पड़ा? चुनौतियाँ तो बहुत हैं। सबसे बड़ा नगर निगम में आप जानते ही हैं कि बहुत सारी चुनौतियों का सामना सबको करना पड़ता है। महिला होने के नाते से मुझे कोई विशेष दिक्कत नहीं आई, क्योंकि काम करने की प्रवृत्ति महिलाओं की शुरू से रहती है और काम करती है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए ये थी कि मेरे पास 350 करोड़ की लायबिलिटी मुझे मिली, और 6 महीने की तनख्वाह नहीं मिली थी, जिसको पटरी पर लाने के लिए हम लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। और धीरे धीरे करके हम उन समस्याओं से जूझते हुए हमने नगर निगम को चलाया है, और बहुत सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया है। और मुझसे जब मैं चुनाव लड़ रही थी, लोग पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे कि आप 100 साल में पहली बार महिला बनने जा रही हैं, तो आप लखनऊ में लखनऊ को कैसे संभालेंगी, लखनऊ बहुत बड़ा शहर है। तो मेरा उनसे मैंने ये उत्तर दिया था उस समय कि महिला होने के नाते से मैं उसको बहुत अच्छी तरह संभालूंगी, क्योंकि महिलाओं की प्रवृत्ति होती है, महिला अपने घर को छोटा हो या बड़ा हो सजा कर संवार कर और संभाल कर रखती है। तो मैं लखनऊ शहर को भी सजा कर संवार कर रखूँगी। और आज मैंने संकल्प लिया है कि मैं उसी समय मैंने संकल्प लिया था कि मैं लखनऊ को नंबर एक पर लाऊंगी, और पूरी तरह से प्रयत्नशील हूँ, हार नहीं मानूंगी, बराबर लगी रहूँगी जब तक नंबर एक पर नहीं ले आऊँगी। संयुक्ता जी, जो आपका परिवार है काफ़ी साफ परिवार कह सकते हैं, अभी तक एक भी करप्शन के चार्जेस आपके परिवार पर किसी पर नहीं, ना आप पर ना आपके पति जो कैंट से विधायक रह चुके हैं। मैं जानना चाहूँगा कि इसका ठीक उल्टा नगर निगम पे आए दिन करप्शन के आरोप लग रहे हैं। मैं आपको छोटे छोटे करप्शन बताऊँ, लोग जो नगर निगम की गाड़ियाँ हैं उनसे तेल बेच ले रहे हैं, हमारे कई रिपोर्टर उसकी स्टिंग भी बनाए और हमने खबरें भी चलाई। तो एक तरफ आपकी छवि साफ है, दूसरी तरफ नगर निगम में इतने ज़्यादा करप्शन है, आप इनसे लड़ने की आपकी क्या योजना है, और इस पे आप क्या एक्शन लिए हैं और आगे लेने का विचार क्या है? मुझे जब जिन जिन चीज़ों का पता चलता चला जा रहा है, उन पर मैं कड़े निर्णय ले रही हूँ। जैसा कि हमारे यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनती थी, हमारे यहाँ जो कर्मचारी काम करते थे, जो संस्थाएं काम करती थी, वो 90 आदमी की एक वार्ड में 90 आदमी की तनख्वाह लेती थी, और 30-35 आदमी काम करती थी, उस पर मैंने रोक लगाई है। और अब हमने पहली तारीख से, आज से हम लोगों ने ये तय किया है कि हम एक संस्था को देंगे, एक वार्ड में एक संस्था को देंगे, जो उस पर वो ठेका समझ लीजिए उनको, कि हम जितना वो काम करेंगे उतना उनको पैसा मिलेगा, ठेके पर देंगे। अभी तक ये होता था कि कई संस्थाएं कई जगह पर काम कर रही थी, कुछ इधर कर, कुछ उनके आदमी इधर काम कर रहे थे, कुछ उधर कर रहे थे, उसमें आदमी गिनने की हम लोगों को हम लोग सर गिन नहीं पाते थे कि कितने आदमी काम कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं, उस पर हमने रोक लगाई है। अब बैलेंस शीट हमारे यहाँ नहीं बनती थी, और बजट कैसे हमें करना है और पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कोई प्लानिंग नहीं होती थी, हमने पहली बार उसमें बैलेंस शीट बनाई है। और एक सबसे बड़ी मेरे सामने जो समस्या आई थी, वो मैंने देखा कि लोग हाउस टैक्स जमा करना चाहते थे, लेकिन हाउस टैक्स जमा नहीं हो रहा, और क्योंकि हमारे
बिल नहीं जाते थे और लोगों का ये कहना था कि बिल नहीं जाते हैं, और अधिकारियों का ये कहना था कि बिल जाते हैं और लोग फाड़ देते हैं, बिल देते नहीं हैं। और कुछ लोगों को क्या बिल, जब मैं लोगों ने बताया कि मेरे पास बिल इतने पुराना बिल आया है और उस पर जितने का बिल है उससे ज़्यादा कहीं ब्याज आ रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए उसमें फिर अधिकारी लोग आपस में लेन देन की बात कर रहे थे। जैसे मुझे जानकारी मिले, मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिली और उनसे मैंने कहा कि मैं ओटीएस स्कीम लाना चाहती हूँ ताकि ये भ्रष्टाचार भी ख़त्म हो जाए और हमारी बैलेंस शीट में भी हो जाए और लोग रेगुलराइज हो जाएं और फिर उनके पास बराबर बिल जाएं। तो अब मैंने कंप्यूटर से बिल भेजने शुरू किए हैं, जिसकी पहले हाथ से बिल बनते थे और कितने भी बिल बना दिए जाते थे उसका कुछ पता नहीं चलता था, अब कंप्यूटर में फीड होता है। तो धीरे धीरे करके हम उसको अभी हम ओटीएस स्कीम लाए हैं जिसमें लोग अपना हाउस, उनको ब्याज माफ़ हो जाएगा, वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम लेकर आए हैं। और ये पूरे प्रदेश में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि जो भी स्कीम हम लाएंगे पूरे प्रदेश के लिए लाएंगे, लेकिन हमने खाली लखनऊ के लिए जिद कर अपनी, उसके लिए मैंने कहा कि लखनऊ में कराइए, तो उन्होंने मेरी बात मानी और आदरणीय नगर विकास मंत्री जी ने मुझे परमिशन दी और मैंने एक ही दिन में पहली बार ऐसा हुआ कि सुबह हमने कार्यकारिणी की और दोपहर में हमने अपना सदन किया, उसमें पास कराकर हमने स्कीम को लाए हैं ताकि जनता को लाभ मिल सके और ये भ्रष्टाचार ख़त्म हो सके कि जो बीच में लेन देन की बात हो रही है वो ना हो। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे मुझे पता चलता जा रहा है मैं उस पर पूरी पूरा प्रयास कर रही हूँ कि धीरे धीरे करके ये भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए। और सबसे बड़ा ये है कि हम ऑनलाइन सारी चीज़ें कर देंगे धीरे धीरे करके ताकि ये भ्रष्टाचार की स्थिति ख़त्म हो जाए। ये जो बैलेंस शीट आप बना रहे हैं, पिछले बारिश में लखनऊ के कुछ क्षेत्रों में जल भराव की एक बड़ी समस्या थी, हम लोग खुद कवर किए थे, तो उसके लिए आपके बैलेंस शीट में क्या बजट है और क्या प्री प्लानिंग है? हमारे यहाँ बारिश मैम दो बार अलग अलग बजट होता है क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ती चली जा रही है और हमारा क्षेत्र भी बढ़ता चला जा रहा है। जो अनियोजित कॉलोनियाँ थी धीरे धीरे करके, जो कभी कोई एलडीए की कॉलोनी थी वो हैंडओवर हो रही है, तो हर बार जितने नाले होंगे उस हिसाब से बजट होता है। और बजट हमारे पास हम तय करते हैं कार्यकारिणी में कि कितना बजट हम पास करेंगे, ये हम अकेले बजट नहीं तय करते, ये हमारा कार्यकारिणी में तय होता है, फिर ये सदन में जाता है तो हम इस बजट को पास करते हैं। और ये बजट हमारा अभी भी, मुझे कुछ लोगों से शिकायत मिलती है कि नाला पूरा साफ़ नहीं होता, आधा नाला साफ होता है, बजट पैसा पूरा जाता है और नाला आधा साफ होता है। तो बीच में जब इसकी मुझे सब कुछ, जो कुछ भी ये फीडबैक मिलता है वो पब्लिक से मिलता है क्योंकि मैं पब्लिक के टच में हमेशा रहती हूँ और मुझसे मिलने के लिए कहीं भी किसी समय भी किसी को कोई मनाही नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। जिस समय जो व्यक्ति जो शिकायत करना चाहता है, जो मिलना चाहता है, मैं उसकी बात सुनती हूँ। और मुझे ये धीरे धीरे करके ये स्थितियाँ जो पता चली वो पब्लिक से पता चली और उस पर मैंने पूरी तरह कंट्रोल करने का प्रयास किया है। और ये नाले वाला भी हम इस बार ऐसी कोशिश करेंगे, पिछली बार हमने एक वो बनाया था कि हम वीडियो, इस पर वीडियो वो ग्राफी कराएंगे इसकी, और जब नाला खोला जाएगा तो उसकी उसको व्हाट्सअप करके भेजेंगे जो नाला खोलेगा, और फिर नाले की सफाई करके नीचे तक पूरी दिखाएगा और फिर उसके बाद वो कहाँ तक सफाई हुई, कितनी हुई, तब उसकी पेमेंट होगी। और अब तो एक और हमारे पास बहुत अच्छा मुद्दा आ गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को कहा कि हम सब चौकीदार हैं, तो मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट कर रही हूँ बराबर, मैं जहाँ भी जाती हूँ कि आप सब, मैं भी चौकीदार हूँ, आप सब भी चौकीदार हैं, और जहाँ नाला साफ हो रहा है आप मुझे बताएं कि वहाँ पर सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस काम की आप मुझे जानकारी देंगे, मैं उसकी जांच कराऊंगी, अगर उसमें कुछ त्रुटियाँ पाई जाएंगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई करूंगी। और अभी हमने एक वो कराया है, नाले साफ की आपने बात कही थी, एक विषय और याद आ रहा था मैं अभी।